सरकार बनने पर गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय चौटाला जी को ही बनाया जाएगा। इनके साथ साथ गठबंधन की ओर से बीएसपी का एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का तथा दूसरा डिप्टी सीएम अन्य पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाएगा। ये डिप्टी सीएम कौन होंगे इसका फैसला चुनाव का नतीजा आने के बाद ही लिया जाए। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों रे शासन काल के दौरान वहाँ हर मामले में वे हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने हरियाणा प्रदेश में गरीबों एवं किसानों तथा आम जनहित के वे विशेषकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं, इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह ही अपने हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ अपने बने इस गठबंधन की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित सरकार बनानी होगी। और जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में भी कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती है, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास भी उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, अर्थात जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है, और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके भी दिखाया है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने हरियाणा प्रदेश के भी हित में यहाँ बीएसपी व इनेलो के बने गठबंधन की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। और अब आप लोगों को अपने इस गठबंधन के ही उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाना है, जिसके लिए बीएसपी के उम्मीदवारों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के तथा भारतीय राष्ट्रीय लोक दल के उम्मीदवारों को चश्मा चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के इन्हें जरूर जिताना है। और फिर सरकार बनने पर ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि फिर सरकार बनने पर गठबंधन की ओर से आपके हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय चौटाला जी को ही बनाया जाएगा, जिनको मेरे आशीर्वाद के साथ साथ इनके पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे माननीय चौधरी देवीलाल जी का भी हमेशा इन पर आशीर्वाद बना रहा है। इनके साथ साथ गठबंधन की ओर से बीएसपी का एक डिप्टी सीएम दलित वर्ग का दूसरा डिप्टी सीएम अन्य पिछड़ा वर्ग या अपर कास्ट समाज में से ही बनाया जाएगा। ये डिप्टी सीएम कौन होंगे इसका फैसला चुनाव का नतीजा आने के बाद ही लिया जाएगा।